नमस्कार, मैं शिक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का बचपन एक्सप्रेस में। हमारी पहली खबर सीएनजी वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। कई सालों बाद दिल्ली में अब 1.9 रुपए सस्ती सीएनजी मिलेगी। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में भी 2.15 रुपए सस्ती मिलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बुधवार शाम को इसकी घोषणा की थी और आज सुबह से ही यह नियम लागू हो चुका है। साथ ही IGL स्मार्ट कार्ड से सीएनजी लेने वाले लोगों को 50 पैसे कैश बैक भी मिलेगा। हमारी अगली खबर आ रही है कि बारिश की वजह से जल्द खत्म हुआ पहला टेस्ट मैच। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच बारिश की वजह से जल्द खत्म हो गया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जिसमें रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। साथ ही मयंक अग्रवाल ने भी 84 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। 60वें ओवर में मैच बारिश और खराब रोशनी की वजह से दोबारा शुरू ना हो सका और पहले दिन का पहला टेस्ट मैच खराब मौसम की वजह से समाप्त हो गया। हमारी अगली खबर आ रही है कि रेस समाप्त करते ही फूट फूट कर रोने लगे अविनाश सांभले। विश्व चैंपियनशिप में 3000 मीटर की स्टीपल चेस दौड़ को समाप्त करने के बाद अविनाश सांभले को रेस में 2 बार गिराए जाने पर छला महसूस हो रहा था। वो जैसे ही रेस को समाप्त करते हैं टनल में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके कोच अमरीश कुमार ने बताया कि वे जैसे ही उनके पास पहुंचे अविनाश उनसे लिपट कर कहने लगे कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। अमरीश ने उनका हौसला बांधते हुए कहा कि हमने प्रोटेस्ट के लिए फेडरेशन को बोला है, फैसला हमारे हक में जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद फैसला अविनाश के हक में आया और उन्हें फाइनल में प्रवेश दे दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ बचपन एक्सप्रेस में।